जिस तरह से एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए हवा पानी फूड जरूरी है उसी तरह से एक हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ के लिए वास्तु एंड कुंडली विश्लेषण जरूरी है आप देखेंगे अगर कुंडली के ग्रह ठीक काम कर रहे हैं तो वास्तु अपने आप ठीक हो जाएगा और अगर घर का वास्तु अच्छा है और कुंडली के ग्रह उतना ज्यादा तंग नहीं करेंगे हेलो एवरीवन माय नेम इज रितु कुमार और वास्तु सीरीज में आज बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की नॉर्थ ईस्ट जिसे ईशान कोण भी कहते हैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन एस दिस जोन इज अ सोर्स ऑफ वेल्थ हेल्थ सक्सेस एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड यहाँ के देवता है दिति और शिखी और प्लैनेट है जुपिटर यहाँ की एनर्जी हेल्प करती है न्यू न्यू आइडिया में हाउ क्लियरली यू कैन थिंक एंड हाउ डू यू वर्क ऑन दैट दिमाग की बत्ती को जलाने का काम यहाँ की जोन करती है इस जोन में खराबी आ जाए तो विजन क्लियर नहीं होता डिसीजन मेकिंग पुअर होते हैं क्विक नहीं होते इस एरिया में टॉयलेट्स बेडरूम्स या फिर किचन नहीं होना चाहिए दिस जोन इज आइडियल फॉर योर पूजा घर मेडिटेशन ज और विजडम से रिलेटेड यहाँ कुछ भी रखा जा सकता है स्टडी रूम वर्क वेरी वेल हेयर कलर इज ब्लू मेटल इज एलिनियम इज वे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आप तुलसी जी का पौधा रख सकते हैं एज ए प्रिकॉशन वन हैज रिमेम्बर नॉट टू की पिक्चर्स ऑफ एनसेस्टर्स केयर एट एन आल सी यू सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो ऑफ वास्तु सीरीज